Hello everyone. Today we are going to discuss how to select a word in Microsoft Word. Word में किसी particular Microsoft Word में आप किसी particular text को select करें. कैसे select करेंगे? Selecting text using mouse. Mouse के through कैसे select करेंगे? और keyboard के through कैसे select करेंगे? Selection जो है वो two types से हो सकता है. आप सिलेक्शन यूजिंग टेक्स्ट भी कर यूजिंग कीबोर्ड भी कर सकते हो, यूजिंग माउस भी कर सकते हो. डिलीटिंग अ टेक्स्ट, टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है, कैसे डिलीट करें एंड स्टेप फॉर डिलीटिंग अ पैराग्राफ. ओके, तो स्टेप नंबर वन इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट हाउ कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. तो फॉर दिस आई एम ओपनिंग माई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम माई सिस्टम. जैसे मैंने यही डॉक्यूमेंट ले लिया, तो यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन टू वे. टेक्स्ट आप सेलेक्ट जो करोगे टेक्स्ट वो दो तरीके से कर सकते हो, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट एंड एरो कीज इन द कीबोर्ड एंड बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द टेक्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यूजिंग कीबोर्ड और नेक्स्ट वाला जो है बाय माउस. तो सेकेंड वाला ऑप्शन हम पहले डिस्कस करेंगे बाय सेलेक्टिंग द यूजिंग माउस. ओके, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो हम लोग सेकेंड वाला पहले डिस्कस करेंगे. तो स्टेप टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस, मूव द माउस पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट टू सेलेक्ट. होल्ड द लेफ्ट बटन एंड मूव द माउस ओवर द टेक्स्ट. Area of selection increases as you move the cursor over the text and release the mouse button when the desired text is selected. ठीक है, तो basically move the mouse pointer at the beginning of the text that you want to select. Basically आपको क्या करना है, माउस का कर्सर वहाँ पे ले जाना जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है. ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना, होल्ड द लेफ्ट माउस, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करके रखना है और माउस को आप मूव कराते जाओ, वैसे वैसे हमारा जो सिलेक्शन एरिया है वो इंक्रीज करता जाएगा. अब आपको सिलेक्शन जहाँ पे नहीं करना है माउस का बटन जो है वो रिलीज करेंगे. लाइक दिस, सपोज होल्ड द लेफ्ट माउस, जैसे मैं यहाँ माउस ले गई, मुझे क्या करना है ये जो फोर पॉइंट्स है सारे को सेलेक्ट करना है. तो मैं यहाँ पे ले गई और यहाँ पे क्या करना, होल्ड द माउस, माउस को मैं होल्ड करके रखी. ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मूव द कर्सर. अब कर्सर को देखो, जैसे जैसे मूव कर रहे हो, मैं नीचे पूरा ले जाऊँगी सारा सेलेक्ट होता जाएगा, तो आराम से धीरे धीरे करना. जैसे मान लिया मुझे ये सिर्फ ये वाला सेलेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं माउस को ले आई हूँ. ठीक है, ये हमारा माउस यहाँ पे, आप लेफ्ट क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे माउस. ठीक है, जहाँ तक सिलेक्शन आपको चाहिए वो ओवर हो गया, माउस का लेफ्ट क्लिक जो है वो रिलीज कर दो. ठीक है, आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, जैसे माउस का मैं यहाँ पे, मुझे क्या करना है, फोर्थ पॉइंट पूरा सेलेक्ट करना है, तो मैं ड्रैग कर दी पीछे की ओर, थर्ड पॉइंट चाहिए, फोर्थ फर्स्ट पॉइंट चाहिए, इसमें मुझे बस यहाँ तक चाहिए, तो जहाँ तक माउस जाएगा वो सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. But you have to, you just have to hold the mouse left click. Okay? When you release the mouse, तो अब ये selection नहीं करेगा. Okay? Next is selecting the text using keyboard. Keyboard के through selection करना. So how you can do this by keyboard? Step to select the text using keyboard. क्लिक ऑन द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे मैं चाहती हूँ ये सेलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दी. होल्ड द शिफ्ट की, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है एंड कीप द लेफ्ट एरो इफ यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एट द लेफ्ट साइड. जैसे मुझे क्लिक ऑन टेक्स्ट, ये वाली पूरी लाइन जो है ना इसको सेलेक्ट करनी है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, माउस का जो राइट साइड वाला है, ठीक है, राइट एरो की मैं उसको क्लिक की, तो ये देखो सेलेक्ट होता जा रहा है. ठीक है, ठीक है, मैं जैसे जैसे वन टाइम प्रेस करके छोड़ोगे तो एक कैरेक्टर, फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट एक एक वन बाय वन इंक्रीज करेगा, और होल्ड करके रखोगे तो धीरे 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 वो अपने आप इंक्रीज होगा। ये रिलीज कर दिया मैंने, यहाँ स्टॉप हो गया। अब आपको बैक जाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया तो आप वापस से लेफ्ट वाला एरो क्लिक करोगे, डाउन करोगे तो एक बार में एक एक लाइन सेलेक्ट होती जाएगी, अप करोगे तो डी सेलेक्ट होते जा रही है, अब उसके बाद ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अप एंड डाउन कीज आर यूज टू मूव अपवर्ड एंड डाउन सिलेक्शन होता है। नोट, कंट्रोल ए यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्ट। जैसे आप जब शिफ्ट के साथ या माउस के कर्सर को मूव कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो माउस को, तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर एरिया। बट कीबोर्ड से व्हेन यू आर क्लिकिंग कंट्रोल ए, यानी कंट्रोल ए को साथ में होल्ड करोगे तो इट विल सेलेक्ट होल्ड डॉक्यूमेंट। देखो मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो गया यूजिंग कंट्रोल ए। ओके, नेक्स्ट इज डिलीटिंग द टेक्स्ट। अगर आपको डिलीट करना है टेक्स्ट, कैसे डिलीट करेंगे, प्लेस द कर्सर एट द राइट ऑफ द कैरेक्टर दैट यू वॉन्ट टू डिलीट, ठीक है। आप जैसे कर्सर को डिलीट करना चाहते हो, इसके आप कहाँ रखोगे, राइट साइड, ठीक है। प्रेस बैक स्पेस, बैक स्पेस आपको मिलेगा, ठीक है, आप इसको डिलीट करोगे तो ये डिलीट होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज प्लेस द कर्सर एट द लेफ्ट। जब आप कर्जर को लेफ्ट पर रख रहे हो, जिस जैसे कर्जर को डिलीट करना है तो उसके लेफ्ट साइड जब आपने रखा, ठीक है, तो जब आप डिलीट वर्ड को यूज करोगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में, तो वो उस वर्ड को, यानी जिस वर्ड को डिलीट करना है उसके लेफ्ट पे रखना है व्हेन यू आर प्रेसिंग डिलीट। और जब आपको जिस वर्ड को डिलीट करना है यूजिंग बैक स्पेस, उस वर्ड के राइट साइड आप कर्सर को रखोगे। नेक्स्ट इज स्टेप टू डिलीट द पैराग्राफ। पर्टिकुलर पैराग्राफ को डिलीट करना है तो सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन के आपने दो मेथड कर लिया है, यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड। तो आपको जैसे मन वैसे सिलेक्शन करो और कीबोर्ड से सीधे डिलीट बटन प्रेस करो। जैसे मैंने क्या किया, ये मैं यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट को क्या की हूँ, सेलेक्ट कर, कीबोर्ड से मैं डिलीट प्रेस कर रही हूँ। देखो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है। ये जो बटन है ये कौन सा बटन था, अंडू। ओके, सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, बाय टू मेथड्स, बाय क्लिकिंग द माउस, बाय यूजिंग माउस, एंड सेकेंड वन वाज बाय यूजिंग कीबोर्ड, एंड हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट एंड हाउ टू डिलीट द पैराग्राफ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।